हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं आपके साथ हूँ हमारी पोएम सेक्शन के साथ। और हमारा जो पोएम है स्टार्ट हो रहा है द फ्रॉग एंड द नाइट एंगल। बहुत ही प्यारा पोएम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जो पोइटर हैं उनके बारे में। तो मिस्टर विक्रम सेठ, और बच्चों उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ है 20 जून 1952 में। एंड ही इज़ एन इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोइट। ही हैज़ रिटन सेवरल नॉवेल्स एंड पोइट्री बुक्स। ही हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड एक्सेट्रा। एंड सेठ्स कलेक्शन ऑफ पोइट्री सच एज मैपिंग एंड बेस्टली टेल्स आर नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री कैनन। तो मतलब बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है, और इसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए इनकी डायरेक्ट पोएम में चलते हैं और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में आते हैं। और आई होप आपको ये पोएम जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम अ फ्रॉग क्रोक्ड अवे इन बिंगल बॉग। एवरी नाइट From dusk to dawn, he croaked on and on and on. तो बिंगल बॉग ये एक इमेजिनरी नाम है, ये कोई इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक क्या बोलते हैं इमेजिनरी नेम है। किसका इमेजिनरी नेम है? एक दलदल का, जहाँ पर एक मेंढक रहा करता था। और प्रत्येक रात वह शाम के समय से लेकर और सुबह के टाइम तक टर्राता रहता था। और दूसरे जो जीव थे उसकी ऊंची आवाज़ से, ठीक है, देखो अदर क्रिएचर लोर्थ हिज वॉइस बट अलास दे हैड नो चॉइस। तो दूसरे जो जीव थे उसकी ऊंची आवाज़ से घृणा करते थे, उनको अच्छी नहीं लगती थी, पर दे हैड नो चॉइस, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एंड द क्रास कोकोफोनी प्लेयर्ड आउट फ्रॉम द सुमैक ट्री। और उन्हें उसकी मूर्खतापूर्ण ये जो टरटराहट थी वो रात भर जो है सुनने पड़ते थे। एट होज फुट द फ्रॉग ईच नाइट मिनस्ट्रेल्ड ऑन टिल मॉर्निंग लाइट। और प्रत्येक रात को ये जो मेंढक था वो एक काजू के पेड़ के जड़ के पास बैठ जाता था, और प्रातः जब मॉर्निंग का रोशनी होती थी, सुबह का जब रोशनी होती थी, तब तक वो एकदम भद्दा सा एकदम शोर मचाता ही रहता था। ठीक है बच्चों, तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में आ रही हूँ मैं। नीदर स्टोन्स नॉर प्रेयर्स नॉर स्टिक्स इंसल्ट्स और कंप्लेंट्स और ब्रिक्स स्टिल्ड द फ्रॉग्स डिटर्मिनेशन टू डिस्प्ले हिज हार्ट्स इलेशन। बट वन नाइट अ नाइटिंगल इन द मूनलाइट कोल्ड एंड पेल पर्च्ड अपॉन द सुमैक ट्री कास्टिंग फोर्थ हर मेलोडी डंबस्ट्रक सेट द गैपिंग फ्रॉग एंड द होल एडमायरिंग बॉग स्टार्ट टूवर्ड्स द सुमैक रैप्ड एंड व्हेन शी हैड एंडेड क्लैप्ड। तो बोलते हैं मेंढक को कोई भी चीज़ जो है वो टरटराने से रोक ना सकी। उसने अपनी खुशी और जोश का प्रदर्शन करने का अब निश्चय किया हुआ था। पत्थर, छड़ियाँ, गालियाँ, शिकायतें, प्रार्थना, हर चीज़ उससे की गई, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसको वहाँ चुप करवा सके। किंतु एक रात क्या हुआ, वहाँ पर एक बुलबुल आ गई, नाइटिंगल, और वो उसी काजू के पेड़ के ऊपर बैठ गई जिसकी जड़ के नीचे वो मेंढक बैठा करता था। और हल्की सुहावनी चांदनी रात थी और वो गाने लगी, और उसे गाना गाते सुनकर दलदल में सभी जो जीव थे वो चकित रह गए, और उन्होंने बुलबुल के मधुर गीत की बहुत प्रशंसा की। वे उसका गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और काजू के पेड़ की तरफ तब तक देखते रहे जब तक बोलते बुलबुल ने अपना गाना बंद नहीं किया।
तब जब उसने बंद किया तो उन सब ने मिलकर तालियां बजाई। Ducks had swum and herons waded to her as she serenaded and a solitary loon wept beneath the summer moon। तो जब वह अपना रात में गीत गा रही थी तो बत्तखे जो है वो तैरती हुई उसके पास आ गई और बगुले दलदल में से चलते हुए आ गए। टोड्स एंड टील्स एंड टेडलर्स कैप्चर्ड बाय हर वॉइस चीयर्ड एंड इंटरप्टेड ब्रावो टू डिवाइन एंड कोर सो द नाइटिंगेल वंस मोर क्वाइट अनयूज्ड टू सच अपॉल्स सैंग टिल डाउन विदाउट अ पॉज। और एक उदास जो सारस था बुल के गीत को सुनकर भावनाओं में इतना बह गया कि वो रोने लग गया। और वो ग्रीष्म ऋतु की रात थी, समर की नाइट थी और आकाश में चांद बिल्कुल चमक रहा था। और ये जो टोट्स है, टील्स है, टेडलर्स है, ये छोटी छोटी मछलियाँ बोलते जिसको, सभी जीव जो है बोलते खुशियों से भर गए। शाबाश, ब्रावो, टू डिवाइन, वाह, अलौकिक, जैसे शब्द कहते हुए सब तालियां बजा रहे थे। और जब बुलबुल अपना गीत समाप्त कर चुकी थी तो एक बार फिर से वंस मोर एक बार फिर से गाना गाने की प्रार्थना की जाने लगी। और बुलबुल से ऐसी जो प्रशंसा थी, बुलबुल को ऐसी प्रशंसा बोलते पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए वह एक बार फिर से गाने लगी और सुबह होने तक बिना थके वो बिना रुके गाती रही। नेक्स्ट नाइट व्हेन द नाइटिंगेल शूक हर हेड एंड ट्विच्ड हर टेल क्लोज्ड एन आई एंड फ्लफ्ड अ विंग एंड हैड cleared her throat to sing, she was startled by a crow। ठीक है, तो अगली रात को बुलबुल फिर आई, उसने अपने सिर को हिलाया, अपनी पूंछ को झटकाया, फिर उसने अपनी एक आंख बंद की, एक पंख को फैलाया, अपना गला साफ किया और गाना गाने के लिए वो तैयार हो गई। Sorry was that you who spoke, she inquired when the frog hopped toward her from the bog। Yes, the frog replied, you see I am the frog who owns this tree, in this bog I have long been known for my splendid baritone and of course I wield my pen for bog trumpet now and then। Did you like my song? Not too bad, but far too long. The technique was fine, of course, but it lacked a certain force। Oh, the nightingale confessed, greatly flattered and impressed, that a critic of such note had discussed her art and throat। I don't think the song's divine, but oh well, at least it's mine। तो किंतु वो चौंक उठी जब उसने टटराने की आवाज़ सुनी। उसने दलदल में से एक मेंढक को फुदकते हुए बोलते अपनी तरफ आते हुए देखा। तो बहुत विनम्रतापूर्वक उसने मेंढक से क्या कहा कि क्या आपने कुछ बोला था? तो मेंढक ने कहा हाँ। फिर उसने बुलबुल को बतलाया कि ये जो काजू का पेड़ है वो उसी का ही है। उसने ये भी कहा कि इस दलदल के जो सभी जीव है वह अपनी शानदार भरी आवाज़ के लिए उन सभी में प्रसिद्ध था। और कभी कभी उसने कहा मैं बॉक ट्रम्पेट नामक संगीत टोली के लिए भी गीत लिखता हूँ। बुलबुल ये सब सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसने मेंढक से पूछा कि क्या उसे उसका गीत पसंद आया था। मेंढक ने कहा यह बहुत बुरा नहीं था, किंतु यह बहुत ही ज़्यादा लंबा था। बोलते यद्यपि हालांकि गाने की जिस शैली में गा रही थी तुम वो बहुत बड़ी थी, बढ़िया थी, लेकिन गीत में कोई ज़्यादा विशेष बल नहीं था, मेंढक ने ऐसा कहा। और बुलबुल को भी लगा कि मेंढक सही कह रहा है, तो इससे वो भी उसकी बातों से सहमत थी।
और वो बहुत खुश थी और प्रभावित हुई कि इतने प्रसिद्ध समीक्षक ने, जो ऑलरेडी ही अपने दलदल में बहुत फेमस है, उसने उसकी कला और आवाज़ के संबंध में उससे डिस्कशन किया और उसने स्वीकार किया कि उसके गीत में कोई अलौकिक बात नहीं थी, किंतु उसे गर्व था कि उसका जो गीत है कम से कम उसका अपना गीत था, कोई मांगा हुआ नहीं था। तो यह कोई मांगा हुआ अथवा नकल किया हुआ गीत नहीं था। तो अभी तक का ये बच्चों मेरा फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन था, जिसमें मैंने 3 पैराग्राफ कवर किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने एक साथ जो पैराग्राफ है वो पढ़ लिया, क्योंकि बीच बीच में कई बार क्या होता है कि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ती और उसके बाद उसको ट्रांसलेशन देती तो ये जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझ नहीं आती कि ये मेंढक और नाइटेंगल के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता। इसीलिए मैंने एक साथ इसको पहले इंग्लिश वाला पढ़ लिया और फिर उसको लाइन टू लाइन मैंने बिना लाइन कोई भी गैप किए वो पूरा का पूरा मैंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया है। तो आई होप आपको इस तरह से समझ में आए। मैंने अपनी एक छोटी सी कोशिश की है आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट इसके पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।